ठीक है बच्चों अब ना एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन पे आ जाओ एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन में क्या है शो डेट एवरी पॉलिनोमल फंक्शन इज कंटिन्यूस हमें क्या प्रूफ करना है कि दुनिया के जितने भी पॉलिनोमल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में पॉलिनोमल फंक्शन का डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर उससे भी पहले पॉलिनोमल फंक्शन क्या होता है आई होप पता होगा नहीं पता है तो एक बार मैं थोड़ा क्विक रिकैप कर देता हूँ जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन को जनरली हम लोग एफ एक्स या पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का ऑफ एन एथ डिग्री या तो हम ऐसे लिखते हैं ए नॉट एक्स टू पावर जीरो ए वन एक्स टू पावर वन ए टू एक्स टू पावर टू ए एन माइनस वन एक्स टू द एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू दावर एन या हम लोग क्या बोलेंगे वेयर ए आई ए आई बिलोंग टू आर एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो और आई का वैल्यू हमने क्या बोल दिया वन से लेके एन तक ठीक है ए आई में हो गया ए वन ए टू ए थ्री ये सारे रियल नंबर होंगे और इसमें ए एन जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा क्यों नहीं होगा ए एन जीरो के इक्वल बिकॉज अगर तुमने ए एन को जीरो बोल दिया तो फिर क्या हो जाएगा ये हमारा जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो x पे हाइएस्ट पावर है वो जीरो हो जाएगा और x पर अगर हाइएस्ट पावर जीरो हो जाएगा तो फिर हम इसे पॉलिनोम फंक्शन ऑफ डिग्री n नहीं बोल सकते डिग्री क्या होता है जो x पे हाइएस्ट पावर होता है इसे मैंने क्या बोला पॉलिनोमल फंक्शन ऑफ डिग्री n n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन एक तो हम ऐसे लिखते हैं ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन ये क्या है हमारा कॉफिशेंट है ए वन क्या है एक्स टू दी पावर वन का कॉफिसेंट है ए टू दी पावर टू काफिसेंट है ए एन के एक्स टू दी पावर एन का कॉफिसेंट है ठीक है एक तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स के इंक्रीजिंग पावर के लिए या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं पी एक्स पॉलिनोमेल को जनरली ऐसे लिखा ए एन एक्स टू पावर या फिर ए नॉट एक्स टू पावर एन फिर क्या लिखा ए वन एक्स पर डिक्रीजिंग पावर लेंगे तो एक्स वे पावर एन माइनस वन प्लस ए टू लिखेंगे तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा एन माइनस टू अगर ए एन माइनस वन लिखेंगे तो देखो यहां पे जो ए का लोअर सब्सक्रिप्ट है ना वो क्या हो रहा है एन में से सबट्रैक्ट हो रहा है तो यहां पर ए का लोअर सब्सक्रिप्ट क्या है एन माइनस तो एक्स पर पावर क्या होगा एन माइनस एन माइनस वन ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस ए एन तक जाएंगे तो यहां पे लोअर सब्सक्रिप्ट क्या है एन तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा एन माइनस एन तो ये क्या होगा ए नॉट एक्स टू दावर एन प्लस ए वन एक्स टू दावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दावर एन माइनस टू ये क्या हो जाएगा ए एन माइनस वन एक्स पे पावर वन प्लस ए एन एक्स टू दावर जीरो यहां भी वही चीज वेयर ए आई बिलोंग्स टू आर ए आई का मतलब कोई भी रियल नंबर क्या हो सकता है ये कोई भी ए वन ए टू ए थ्री क्या हो सकता है रियल नंबर हो सकता है एंड ए नॉट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और आई क्या होगा वन से लेके एन तक ये तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं जो एन एथ डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं ये तो आ रही है बात समझ में अब अगर तुमने एन का वैल्यू वन ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा लीनियर पोलिनोम एन का वैल्यू जीरो पोलिनोम एन का वैल्यू टू लिया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोम थ्री लिया तो क्यूबिक पोलिनोमियल फोर लिया तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका मतलब एक चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर हमने एन का वैल्यू जीरो ले लिया तो फिर हमें पी एक्स क्या मिलेगा एन का वैल्यू जीरो लिया तो हमें क्या मिलेगा ए नॉट मतलब जीरो तक ही जाएंगे तो यहां पे ए नॉट कोई भी नंबर ले लेते ए नॉट इंटू एक्स टू द जीरो तो एक्स टू द जीरो तो वन होगा ए नॉट क्या हमारा कोई रियल नंबर तो रियल नंबर मान लो वन ले लिया तो ये क्या मिल गया है कॉन्स्टेंट पोलिनोमल हमें पता है ना कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर कांस्टेंट पोलिनोमल होते हैं और कांस्टेंट पोलिनोमल की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है क्यों बिकॉज एक्स टू दावर जीरो है फिर हमें ये भी पता है कि ज़ीरो जीरो जो है हमारा ना ये जो ज़ीरो है ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमल है और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है क्यों नहीं डिग्री डिफाइंड है बिकॉज तुम जीरो को क्या लिख सकते हो एक्स टू दी पावर जीरो भी लिख सकते हो फिर या तुम क्या लिख सकते हो जीरो को एक्स टू दी पावर वन भी लिख सकते हो फिर जीरो को तुम एक्स टू दी पावर फाइव भी लिख सकते हो तो इसकी डिग्री नहीं डिफाइंड है मतलब जीरो को लिख सकते हो ना तुम एक्स टू दी पावर जीरो एक्स टू दी पावर वन एक्स टू दी पावर फाइव इंटू जीरो सॉरी जीरो को तुम लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो या फिर इसको तुम लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स टू द पावर वन ये क्या लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स टू द पावर फाइव तो डिग्री कौन सा लोगे फाइव लोगे वन लोगे जीरो लोगे क्या लोगे तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं है हमें क्या पता होना चाहिए कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉन्स्टेंट पोलिनोमल जितने भी रियल नंबर होते हैं कॉन्स्टेंट पोलिनोमेल होते हैं और जीरो इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट पोलिनोमेल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर है उनकी डिग्री क्या होती है जीरो जीरो की डिग्री क्या होती है डिफाइन नहीं है ये तो मतलब पॉलिनोमल फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं अगर हमने एन का वैल्यू वन लिया तो कहाँ तक जाएंगे यहां तक जाएंगे इसका मतलब पी एक्स हमारा कुछ कैसा हो जाएगा ए नॉट टू दावर एक्स टू दावर या यहां तक बोल लो क्या हो जाएगा या फिर इसमें भी एन का वैल्यू वन डालोगे तो क्या मिल जाएगा यहां एन का वैल्यू वन डालोगे तो ए नॉट टू दस टू पावर वन या एन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो यहां वन डालो मतलब दो टर्म तक जाओ तो यहां क्या मिल जाएगा ए नॉट एक्स टू दावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू पावर वन ठीक है इसका मतलब ये किस फॉर्मेट का होगा जैसे ये कुछ समथिंग लाइक टू एक्स प्लस थ्री इसे हम क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमल बोलते हैं लीनियर पोलिनोमल लीनियर इसमें बताओ थ्री का, का काम क्या कर रहा है ए नॉट और टू का, का काम क्या कर रहा है ए वन तो ये लीनियर पोलिनोम हो गया अगर हम एन का वैल्यू टू डालते तो फिर हमें क्या मिलता है ए नॉट एक्स टू दावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू पावर वन प्लस ए टू ए टू एक्स टू पावर टू इसका एग्जाम्पल ले लो क्या हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव हो गया इसमें A0 का, का काम क्या कर रहा है इसमें ए नॉट का काम कर रहा है फाइव ए वन का काम का क्या कर रहा है थ्री ए टू का काम का क्या कर रहा है टू तो इसे हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ठीक है यार ये बात समझ में तो पॉलिनोमियल में क्या हो गया पॉलिनोमियल में हमारे लिए ठीक है ये तो ऑलरेडी पता होगा तुम लोगों को पोलिनोमल क्या होता है ये तो मैं ऐसे ही पोलिनोमल को मतलब डिफाइन करने में लग गया ठीक है ये तो ऑलरेडी पता होगा तुम्हें ऐसे करके तुम क्यूबिक पोलिनोमेल ले सकते हो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमल ले सकते हो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी पोलिनोमल फंक्शन होते हैं ना उनके डोमेन ऑल रियल नंबर होते हैं और रेंज क्या होता है रेंज हम नहीं बता सकते रेंज वेरी करेगा पोलिनोमल टू पोलिनोमेल वो डिपेंड करेगा कि पोलिनोमल इक्विजन क्या है तो डोमेन तो होता है ऑल रियल नंबर उसके बाद क्या है पॉलिनोमियल की खूबी क्या है कि अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का वैल्यू तो तो होगा वही वैल्यू उसका लिमिटिंग वैल्यू भी होगा जैसे अगर मैं बोलू ना कि इसका लिमिट निकाले एक्स इज इक्वल टू वन पे तो एक्स इक इज इक्वल टू वन पर इसका लिमिट क्या होगा वन पुट कर दो वन पुट करोगे तो क्या आएगा टू प्लस थ्री प्लस फाइव एट प्लस टू टेन तो इसका मतलब कि वन पर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा टेन और वन पर इसका फंक्शनल वैल्यू क्या है वो भी टेन तो वन पे फंक्शन क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमल कोड्रेटिक पोलिनोमल कंटिन्यूस हो जाएगा ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं ये तो मैंने पोलिनोमल समझाया अब हम लोग क्या करते हैं कि पेज नंबर ट्वेंटी सेवन अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि एवरी पॉलिनोम फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास पेज नंबर फोर्टीन में क्या है हमें प्रूफ करना है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं ये हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे मान लो कि एक हमने जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया ऐसे ले लिया ए नॉट एक्स टू द पावर जीरो ए वन एक्स टू दावर वन ए टू एक्स टू दावर टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स टू दावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू दावर एन और हमने बोला इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है पोलिनोम फंक्शन का ऑल रियल नंबर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि लेट सी बिलोंग्स टू आर सी हमारा क्या कोई भी रियल नंबर है तो इसका लिमिट निकालते हैं सी पर और फिर हमें सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है बिकॉज सी के लेफ्ट में जाओ राइट right पे जाओ यही फंक्शन डिफाइंड है तो उसके लिए लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू आर सी एफ एक्स ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्सेंडिंग टू आर सी एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे ए नॉट एक्स सुदीप वन ए वन एक्स टू दी पावर वन ए टू एक्स टू दावर टू एंड सो ऑन ए एन एक्स टू दावर एन तो इसका लिमिट ये क्या हमारे पास पॉलिनोमल फंक्शन है किस पर लिमिट निकाल रहे हैं सी पर तो क्या करेंगे सीधे इसको सी पुट कर दे ये क्या मिल जाएगा ए नॉट सी टू दावर जीरो ए वन सी टू दावर सॉरी वन ए टू सी पे पावर टू और ये क्या होगा ए एन सी पे पावर एन ये किसके इक्वल हो गया ये एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टूअर्ड सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि एफ एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स जो हमारा वो क्या है कंटिन्यूअस है यहां से हमें ये पता चला कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट इज इक्वल टू सी दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज Continuous for all X belongs to R. जितने भी रियल नंबर है ना सबके लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है बस हो गया ये proof. इतना अगर तुम लिख दोगे ना तो तुम्हारा एक मार्क्स भी नहीं कटेगा ठीक है अब अब बच्चों बच्चों आ जाओ. हम लोग example number 14 तो हो गया हमारा complete, अब आ जाओ, example number 15 में. आ जाओ, example number 15 में. Example number 15 में क्या है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट करता है, x. NCRT का है, है जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिस्कटिन्यूटी है ना वो हमें फाइंड आउट करना है तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होगा तुम लोगों को अगर नहीं पता है तो एक बार हम लोग ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तुरंत Recap करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है बिलोंग्स टू आर तो यहां से क्या पता चला डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया ऑल रियल नंबर ये बात ठीक है उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है कि अगर तुमने एक्स का वैल्यू कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू डाला अगर तुमने एक्स का वैल्यू ये तुम्हें फंक्शन से पता होगा ये बस मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये यहां पे इसका कोई यूज नहीं है ये तो ऑलरेडी पता होगा तुम्हें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे बोलते हैं जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं अगर तुम्हें पता एक्स का वैल्यू तुमने कोई भी नॉन इंटीजर डाला फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ टू तो यहां से हमें एफ ऑफ वन पॉइंट टू क्या होगा एफ ऑन ऑफ वन ऑफ टू क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन ऑफ टू एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया वन ऑफ टू अब हमें इसका वैल्यू क्या होगा मीन एफ ऑफ टू का वैल्यू क्या होगा बोल रहा हूं सॉरी नहीं hmm. का वैल्यू क्या होगा टू से जस्ट छोटा रियल नंबर जस्ट छोटा इंटीजर जैसे अगर मैंने बोला ना वन पॉइंट टू से जस्ट छोटा इंटीजर ये हमारा हो गया वन तो 1.2 कहाँ होगा 1.2 1 और 1.2 1 और 2 के बीच में होगा यहाँ पे होगा ना कुछ 1.2 तो 1.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है 1 तो f ऑफ 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 का क्या मिल जाएगा हमें 1 अगर मैंने बोला f ऑफ -1.2 बोला तो इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं इसको -1 बहुत बच्चे बोलते हैं स्टार्टिंग में ये माइनस वन है ये माइनस टू है तो माइनस वन पॉइंट टू कहाँ होगा ना ये पॉइंट होगा ना माइनस वन पॉइंट टू वो माइनस वन पॉइंट टू तो माइनस वन पॉइंट टू तो माइनस वन से क्या स्मॉलर है ना तो इससे छोटा क्या होगा इससे छोटे के लिए जाओगे तुम राइट साइड पे जाओगे तो बड़ा इंटीजर आ जाएगा छोटे के लिए क्या जाना हमें लेफ्ट साइड पे जाना है तो यहां पे हमारा माइनस वन पॉइंट टू तो उस पर छोटे के लिए जाओगे तो हमारा जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा माइनस टू तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टू अगर मैं बोला एफ ऑफ मैंने बोला थ्री पॉइंट फोर तो थ्री पॉइंट फोर से यहां पे होगा थ्री यहां पे होगा फोर समथिंग कुछ यहां पे होगा थ्री पॉइंट फोर तो थ्री पॉइंट फोर से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा थ्री पॉइंट फोर से छोटे के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें थ्री मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री पॉइंट फोर क्या होगा ये होगा हमारे पास थ्री अगर मैंने बोला कि एफ ऑफ माइनस नाइन पॉइंट नाइन तो माइनस नाइन पॉइंट नाइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा माइनस नाइन पॉइंट नाइन का बहुत बच्चे बोलेंगे माइनस नाइन इसका हमें अगर माइनस नाइन पॉइंट नाइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो तुम क्या करो माइनस नाइन कुछ यहां होगा माइनस टेन कुछ यहाँ होगा ठीक है माइनस टेन कुछ यहाँ होगा माइनस एट यहाँ होगा ठीक है माइनस नाइन पॉइंट नाइन होगा माइनस नाइन तो होगा? -9. 9 यहाँ होगा माइनस नाइन पॉइंट नाइन समथिंग यहां पे होगा तो माइनस नाइन पॉइंट नाइन से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा छोटे के लिए क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिला माइनस टेन तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें माइनस टेन ये तो हो गया नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए बताया अब इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या होगा अगर तुमने कोई भी एक्स की जगह यहाँ पे ना इंटीजर डाला तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो सेम नंबर हो जाएगा मतलब क्या होगा एफ ऑफ माइनस टू का बॉक्स क्या होगा इसे बॉक्स एक्स भी फंक्शन बोलते हैं माइनस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा माइनस टू एफ ऑफ जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जीरो हो जाएगा एफ ऑफ थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बॉक्स क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा ये सब ऑलरेडी तुम्हें, तुम्हें पता होगा यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये तो मैं सिर्फ तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया दे रहा हूँ अब तुम ये बताओ कि अगर मैंने एक्स लिया आ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरोस वन लिया देन बॉक्स ऑफ एक्स क्या होगा अगर मैंने एक्स का वैल्यू यहां से देखो जीरो और वन जीरो भी ले लिया जीरो से ग्रेटर लिया बट वन नहीं लिया तो बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा इसका बॉक्स एक्स जीरो बीच में जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जीरो और जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर ले लो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जीरो यहां समय पता चला अगर मैंने एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर लिया बट टू नहीं लिया तो इस बीच में इसका बॉक्स क्या हो जाएगा मतलब ये इन सारे नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें वन ही मिलेगा और वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वन होगा अब अगर मैंने बोला कि एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन लेस एक्स क्या हो जाएगा बॉक्स एक्स हो जाएगा माइनस वन कैसे माइनस वन है ये हमारा जीरो है माइनस वन से जीरो जीरो को छोड़ दिया कोई भी नंबर उठा लो यहां पे उसका तुम अगर बॉक्स फंक्शन अप्लाई करो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो तो उससे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा माइनस वन ही मिलेगा और माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा वो भी माइनस वन होगा तो ये बात आ गई समझ में ठीक है अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो इसका ग्राफ देख लो फंक्शन का कैसा होगा यह सब तुम्हें ऑलरेडी पता होगा मैं बस एक्स्ट्रा बता रहा हूं एक करा रहा हूं इसका ग्राफ ऐसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यह हो गया हमारा जीरो ऐसे चलता है ग्राफ ये हो गया हमारा वन ये हो गया हमारा एग्जैक्टली exactly, इसके ऊपर क्या हो गया टू यहां पे हो गया क्या हमारा ये थ्री यहां पे क्या हो गया ये फोर ये क्या हो गया माइनस वन एग्जैक्टली इस होल के यहीं तक होगा ये क्या होगा माइनस टू ऐसे ग्राफ होगा ये हो गया हमारा जीरो एग्जैक्टली इसके आगे क्या होगा वन यहां पे क्या होगा टू यहां पे क्या होगा ये थ्री यहां पे क्या होगा फोर यहां माइनस वन यहां माइनस टू यहां माइनस थ्री ऐसे करके ग्राफ इधर भी बढ़ेगा और ऐसे करके ऊपर भी जाएगा ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व देख लो कैसे हमने कर्व ड्रॉ किया वो यहां से कर्व ड्रॉ किया अगर यहां पे देखो x का वैल्यू क्या है x का वैल्यू क्या हमारे पास जीरो से वन के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी को वाई बोलते हैं ना तो y इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है कि जीरो से वन के बीच में इंक्लूडिंग जीरो y का वैल्यू क्या होगा जीरो तो देख लो जीरो से वन के बीच में अगर हमने x लिया x का वैल्यू जीरो से वन वन को छोड़ दिया तो y जीरो मीन्स क्या होगा ये लाइन आ जाएगा वाई जीरो मतलब x एक्सिस y इज इक्वल्स टू जीरो क्या होता है x एक्सिस होता है तो देखो ये पूरा x एक्सिस आ गया जीरो से वन के बीच में इंक्लूडिंग जीरो फिर अगर हमने लिया x का वैल्यू वन से टू के बीच में लिया including one, excluding two, तो यही है ना y, y का वैल्यू क्या मिलेगा वन पर क्या होगा वन इसीलिए यहां पे हमने होल क्यों बनाया है क्योंकि ये पॉइंट का कॉर्डनेट क्या आ रहा है इस पॉइंट का कॉर्डिनेट आ रहा है हमारे पास वन कॉमा जीरो ठीक है इसका मतलब क्या है कि अगर अगर मैंने इसको फिल कर दिया ना इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हमने एक्स का वैल्यू वन डाला ना तो वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है बट ऐसा तो है नहीं एक्स का वैल्यू वन डालोगे तो वाई वाई किसे हमने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स उसका वैल्यू क्या मिला हमें वन तो ये पॉइंट तो नहीं आ रहा है ना इसीलिए इसके ऊपर वाला ये पॉइंट आ गया इस पे है ना वन कॉमा वन एक्स का वैल्यू वन डालोगे तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन होगा तो वन कॉमा वन पॉइंट आएगा कर पे ऐसे करके हमने कर्व ड्रॉ कर लिया

माइनस वन से जीरो के लिए माइनस वन से जीरो के लिए इन एक्सक्लूडिंग जीरो इंक्लूडिंग वन तो यहाँ पे लाइन का पोर्शन आ जाएगा किस लाइन का पोर्शन है ये लाइन का पोर्शन है ठीक है फिर जब एक्स का वैल्यू माइनस टू से माइनस वन के बीच में होगा इंक्लूडिंग माइनस टू इंक्लूडिंग इनक्लूडिंग माइनस टू एक्सक्लूडिंग वन तो फिर वाई क्या होगा वाई इज इक्वल टू माइनस टू ये लाइन का पोर्शन आ जाएगा टू यहां तक आ जाएगा ये पोर्शन आ रही है बात समझ में

टू के में जेट नेबरहुड पे देखो कर्व क्या हो गया जंप कर गया थ्री पर देख लो फिर माइनस वन माइनस टू पे देख लो तो ये तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन सारे पे क्या ये डिसकंटिन्यूस है इस बात को हमें प्रूफ करना है और जितने भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स हैं जैसे तुम थ्री और फोर के बीच में देखो थ्री और फोर के बीच में सब क्या कर्व हमारा कंटिन्यूअस है टू और थ्री के बीच में देखो कर्व कंटिन्यूअस है हमें क्या प्रूफ करना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है कौन सा डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट इसका मतलब हम ये प्रूफ करना है कि ये जो है, ये जो तो फंक्शन है नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर है. ये हमें प्रूफ करना है. तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? उसके लिए फिर हम दो बनाएंगे पहला क्या, बनाएंगे? कि हमारा क्या होगा कोई भी इंटीजर होगा या सी बिलोंग्स टू आर माइनस नॉन इंटीजर होगा फिर दूसरा केस क्या बनाएंगे बिलोंग टू जेड ये दो केस बनाएंगे फिर हम लोग पहले केस में प्रूफ कर देंगे उसमें कर देंगे क्या है 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 पर क्या क्या फंक्शन एंड तो उस पे क्या प्रूफ कर देंगे सी पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है ठीक है ऐसे करके दो केसेस बनाएंगे अब तुम एक बात को यहां पे ध्यान दो कि अगर मैंने ना कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट लिया मान लो कि यहां पे हमने पॉइंट ले लिया थ्री पॉइंट फाइव तो 3.5 ये पॉइंट हमने क्या ले लिया 3.5 तो 3.5 के लेफ्ट पर इमीडिएट नेबरहुड पे लेफ्ट इमीडिएट नेबरहुड पे और राइट इमीडिएट नेबरहुड पे फंक्शन जो है जो y का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है मेरी बात आ रही है समझ में ये क्या हमारा कर्व इस कर्व को तुम क्या बोलोगे y 3 कर्व बोलोगे तो थ्री के लेफ्ट पे भी हम वाई का वैल्यू किस कर्व से निकल रहा है वाइज इक्वल टू थ्री से और थ्री के ये सॉरी थ्री पॉइंट फाइव के राइट हैंड साइड पे भी जाओगे तो हमें जो फंक्शन का वैल्यू किस कर्व से निकल रहा है वाईज इक्वल टू थ्री कर्व से मतलब क्या है कि नॉन इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अगर हमने कोई पॉइंट उठाया तो उस पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है बट अगर हमने इंटीग्रल पॉइंट उठाया तो उस पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी क्यों? जैसे मान लो कि हमने हो रहा है तो थ्री के लेफ्ट और राइट right पे क्या हो गया ग्राफ मतलब फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया ना थ्री के लेफ्ट के लिए तो हम क्या करेंगे y और थ्री के राइट पे अगर हम लिमिट निकालेंगे तो कौन सा कर्व यूज करेंगे वाईज इक्वल टू थ्री कर्व यूज करेंगे आ रही बात समझ में तो इसका क्या मतलब हो गया कि इंटीग्रल पॉइंट के लिए हमें करना क्या होगा जब हम लिमिट निकालेंगे ना इंटीग्रल पॉइंट पे तो उस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी और अगर हम नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे तो उस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बात समझ में आ रही होगी जैसे मान लो कि हमने इंटीग्रल पॉइंट उठाया एक्स का वैल्यू माइनस वन तो माइनस वन के लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम लिमिट निकालेंगे तो कौन सा कर्व यूज होगा ये वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू और माइनस वन के राइट हैंड साइड पे जब लिमिट निकालेंगे तो कौन सा कर्व यूज होगा वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन ठीक है अगर हमने कोई पॉइंट उठा लिया यहाँ पे माइनस वन पॉइंट फाइव तो माइनस वन पॉइंट फाइव के लेफ्ट हैंड साइड पे भी y जीक्वल टू माइनस टू कर व्यूज होगा और माइनस वन के राइट हैंड साइड पे भी y जीक्वल टू माइनस टू कर व्यूज होगा तो अगर मैंने वाई इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू माइनस वन पॉइंट फाइव लिया ना तो वन ये माइनस वन पॉइंट फाइव लिया तो माइनस वन पॉइंट फाइव पे अगर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए वाइज इक्वल टू माइनस टू फंक्शन है इसको समझना यहां पे ये यह काफी इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन तो मैं बस दो लाइन में करा दू इसको समझना इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहां पे अब क्या करेंगे वो मैं ऐसे देख लो उसके बाद तुम ऐसे देखो अगर मैंने कोई भी रैंडम रियल नंबर नॉन इंटीजर उठाया फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने उठा लिया थ्री uh, उठा लिया तो 3.5 से अगर हम x का वैल्यू मैंने 3.5 उठा लिया तो 3.5 से अगर हम थोड़ा भी लेफ्ट जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा वाईज इक्वल्स टू थ्री अगर हमने x का वैल्यू उठा लिया ना 3.5 तो 3.5 से लेफ्ट पे भी जाएंगे मतलब इमीजिएट नेबरहुड अगर 3.5 से छोटा लेंगे मतलब x का वैल्यू तो वो भी हमें क्या मिलेगा वाई इज इक्वल टू थ्री इसी कर्व से निकालेंगे और 3.5 से थोड़ा आगे जाएंगे तो इसी कर्व से निकालेंगे इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हें 3.5 पर ये समझो, लिमिट अगर मैं बोलूं कि x इज अप्रोचिंग टू 3.5, पॉइंट फाइव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इसका वैल्यू क्या होगा तो सबसे पहले 3.5 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है बिकॉज 3.5 पर हमें क्या है फंक्शन जो है वो अपने डेफिनेशन को चेंज नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे 3.5 पर लिमिट निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा

बिकॉज के लिए माइनस वन पॉइंट नाइन का होगा यहां पे उसके लिए हमारे पास कर्व तो एक ही है तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत तो है नहीं तो माइनस नाइन पे अगर मैंने तुम्हें बोला कि लिमिटिंग वैल्यू निकालो बॉक्स एक्स का तो वो माइनस वन पॉइंट नाइन पर बॉक्स एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा बॉक्स ऑफ माइनस वन पॉइंट नाइन होगा मीन्स क्या होगा माइनस टू होगा ये सिर्फ नॉन इंटीग्रल पॉइंट की बात कर रहा हूं अगर अब मैंने कोई इंटीग्रल पॉइंट उठा लिया अब मैंने जैसे x का लिमिट बोला मैंने कि x इज अप्रोचिंग टू तुम निकालो टू एफ एक्स निकालो एफ एक्स मीन बॉक्स एक्स निकालो तो तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो डायरेक्ट तुम ये इसका वैल्यू नहीं लिख सकते हो यहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी और यहां पे हमें राइट हैंड लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी क्यों बिकॉज टू के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू वन टू के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ये फंक्शन है ना फंक्शन का वैल्यू क्या वाईज इक्व टू वन और टू के राइट हैंड साइड में जाओगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या वाईज इक्व टू टू तो टू के लेफ्ट और राइट right पे फंक्शन ने अपने डेफिनेशन को चेंज कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका डायरेक्ट लिमिट नहीं बोल सकते इसके लिए हमें करना क्या होगा पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा फिर हमें इसका राइट हैंड लिमिट निकालना होगा आ रही बात समझ में तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे पहले लिखेंगे टू माइनस तो अगर मैंने बोला कि लिमिट एक्स इज एप्रोचिंग टू टू माइनस बॉक्स एक्स ऐसे बोला तो इसका वैल्यू क्या होगा बॉक्स एक्स अगर मैंने टू माइनस के लिए बोला तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका तुम ऐसे वैल्यू लिख सकते हो सीधे टू माइनस वन लिख सकते हो इसका वैल्यू सीधे तुम टू माइनस वन डेट इज वन लिख सकते हो देखो टू माइनस जैसे देखो टू माइनस यहां पर ना टू के लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या होगा जब तुम टू को अप्रोच डायरेक्ट तुम तो क्या, होगा? होगा तो क्या लिख सकते हो टू माइनस अगर मतलब सीधे टू हो जाएगा देखो टू प्लस अगर टू को राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो लिमिट क्या टू आ रहा है समझ में आया एक बार और बस दो मिनट के लिए मैं ये समझाना चाह रहा हूं एक बार फिर से कर ड्रॉ किया अभी तक हमने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है एक बार थोड़ा बड़ा कर ड्रॉ कर लेते हैं ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व ऐसे करके कर ड्रॉ कर लिया इसको हमने बोला वन इसको हमने बोला टू इसको हमने बोला माइनस वन यहां पे हो जाएगा ऐसे करके कर्व आएगा ये हो जाएगा माइनस टू इसके एग्जैक्टली exactly होगा ये माइनस टू ये होगा माइनस वन यहां पे ऐसे आएंगे तो ये होगा वन यहाँ पे एग्जैक्टली टू ये तो हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है अब मेरी बात को सुनो इस लाइन का इक्वेशन क्या है इस लाइन का इक्वेशन है वाइज इक्वल टू माइनस वन इस लाइन का इक्वेशन है इसका इक्वेशन है वाइज इक्वल टू जीरो टू वन और ये वाइज इक्वल टू टू ये लाइन का इक्वेशन है अब मैंने कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट उठाया जैसे हमने उठाया माइनस ये सॉरी 1.5 उठाया तो 1.5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट पे तुम ऐसे जाओ या ऐसे जाओ उसके लिए y वन ही ये इक्वेशन यूज होगा तो इसका मतलब कि किसी भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है ठीक है बट अगर हमने 1 उठाया

अब अगर मैंने कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट उठा लिया लाइक वन पॉइंट फाइव उठा लिया तो इस पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है अगर मैंने बोला एक्स इज अप्रोचिंग टू वन पॉइंट फाइव बॉक्स ऑफ एक्स इसका वैल्यू क्या होगा इसका सीधे जो लिमिट होगा वो होगा बॉक्स ऑफ वन पॉइंट फाइव डेट इज वन देख लो वन पॉइंट फाइव को लेफ्ट से अप्रोच करो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है वन इसी लाइन पर आ रहा है ना वाई का वैल्यू वन पॉइंट फाइव को राइट right से अप्रोच करो इसी लाइन पर आ रहा है वाई का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू क्या आ रहा है वन तो इसका लिमिट ऐसे वन हो जाएगा ये बात समझना अगर यहां तक ये बात समझ में आ रही है ना तो अब तुम्हें क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैंने समझा दिया तुम्हें अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू R मतलब क्या हो गया डेट इज डोमेन फंक्शन का क्या हो गया ऑल रियल नंबर अब हमने केस वन लिया वेन सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस सेड पूरे रियल नंबर से अगर तुमने इंटीजर को हटा दिया तो सी क्या हो गया नॉन इंटीग्रल, मतलब सी का जो सी जो हमारा एलिमेंट है ये कैसा है? नॉन इंटीजर है अब इस पर हमने लिमिट निकाला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुअर्ड सी इस पर मैंने बोला कि नॉन इंटीजर पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है एफ एक्स इसका क्या मतलब है लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टूवर्ड सी एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे बॉक्स एक्स तो अभी मैंने बोला है कि इसका कैसे निकलेगा बॉक्स ऑफ सी सीधे ये वैल्यू आ गया ठीक है अभी बताया ना कि अगर इंटीजर है तो बॉक्स निकालेंगे अगर इंटीजर है तो क्या होगा इसका नॉन uh, इंटीजर है तो क्या होगा डायरेक्ट मैंने कर दिया ना 1.5 ये नॉन इंटीजर था तो 1.5 पर हमारा इसका लिमिट क्या हो गया बॉक्स ऑफ वन बॉक्स ऑफ वन पॉइंट फाइव ये आ गया तो इसका लिमिट क्या होगा सी हमने क्या बोला है नॉन इंटीजर बोला है तो नॉन इंटीजर का बॉक्स क्या होगा सी अगर नॉन इंटीजर है तो इसका लिमिट क्या होगा बॉक्स ऑफ सी ठीक है अब यहां पे फंक्शन का वैल्यू सी पर क्या होगा बॉक्स ऑफ सी इसको हमने सेकेंड इक्विजन मान लिया इसको फर्स्ट इक्विजन मान लिया सॉरी नहीं दिख रहा है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया तो यहां से हमें फ्रॉम वन एंड टू क्या मिल गया फ्रॉम वन एंड टू क्या मिला हमें लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी और सी क्या हमारा आर जेड आर माइनस जेड किसे बोलते हैं नॉन इंटीजर को दिस इंप्लाइज डेट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सॉरी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी सी पर हमारा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी क्या हमारा ऑल रियल नंबर इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल रियल नंबर फंक्शन जो है ना नॉन इंटीग्रल रियल नंबर पे क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया तो हमारा केस वन हुआ अब आते हैं केस टू पर केस टू में हम क्या बोलते हैं वेन c belongs to set c हमारा क्या है कोई इंटीजर है तो अगर c हमारा कोई इंटीजर है तो अब मैंने क्या करना है c पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है और c पर क्या लेना है राइट हैंड लिमिट तो उसके लिए क्या करेंगे लिमिट x एस्टेंडिंग टुवर्ड्स c माइनस f x इसको हम क्या लिखेंगे लिमिट x एस्टेंडिंग टुवर्ड्स c माइनस f x क्या हमारा बॉक्स ऑफ x है अभी यहां पे देखो क्या बताया कि अगर वन इंटीजर है ना तो उस पर उसका लिमिट क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा वन माइनस वन अगर वन पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा बॉक्स ऑफ वन तो इसका क्या मतलब है कि वन पर सी हमारा तो इंटीजर है तो सी पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा सी माइनस वन ठीक है अगर हम इस पर सी प्लस एफ एक्स इसका मतलब क्या है लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टूअर्ड सी प्लस बॉक्स ऑफ एक्स इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा इसका भी राइट हैंड लिमिट बोला ना कि अगर वन प्लस तो बॉक्स ऑफ वन बॉक्स ऑफ वन किसके इक्वल है one, तो इसका मतलब कि अगर पर right C. C तो है, तो सीधे आ जाएगा ये इसको हमने थ्री इक्वेजन बोल दिया इसको हमने फोर बोल दिया तो यहां से मैं क्या पता चला फ्रॉम थ्री एंड फोर

नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z यहां से हमें क्या पता चला फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स इंटीजर्स सारे इंटीजर्स पे क्या हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया इसको हमने क्या बोला फर्स्ट इको ए बोल दिया इसको हमने क्या बोल दिया बी बोल दिया हमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जितने भी पॉइंट्स है ना डिस्कंटिन्यूटी वाले वो निकालो तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज टू ग्रेटेस्ट एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जेड एंड डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड हमारा आंसर हो गया ये ये भी लिख दोगे तो ये इसको एम्प्लाई करता है ये लिख दोगे तो ये इसको एम्प्लाई करता है जैसे हमने बोल रहा था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑल दी डिसकंटिन्यूटी तो हमने निकाल लिया जितने भी इंटीजर्स है ना उन सारे इंटीजर्स पे फंक्शन क्या हमारा है और जितने भी नॉन इंटीजर्स है ठीक है आई होप समझ में आया होगा क्या मैंने अभी ये डिस्कस किया यहां तक क्या मैंने बोला ये सब समझ में आया होगा तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आई थिंक ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन के बाद क्या है एलजब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन का क्या एल्जबरा है जिसको हम करेंगे डिस्कस अपने नेक्स्ट वीडियो में ठीक है वीडियो कुछ बड़ा हो रहा है थर्टी नाइन फोर्टी सेकेंड यह फोर्टी मिनट्स का हो रहा है बट क्या करोगे थोड़ा हमें मतलब अगर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही